अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मज़ीद एस्पॉक एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिथियम के पिक्यूलर बिहेवियर को जो है वो स्टडी किया था, और जो आपके पास लिथियम है दैट इज़ अ फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप वन ए का फर्स्ट मेंबर बनता है, क्योंकि आप लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था कि उसकी जो पोजीशन है वो यानी वो उसकी रिजेम्बलेंस और डिसिमिलैरिटीज़ जो है वो आपके पास सारे ग्रुप्स के साथ होती है। इसलिए ग्रुप फर्स्ट का जो फर्स्ट मेंबर होता है यानी ग्रुप वन ए का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, लिथियम होता है। तो आप लोगों ने उसमें स्टडी किया था कि जो लिथियम होता है उसका जो बिहेवियर होता है दैट्स क्वाइट डिफरेंट देन अदर अल्कली मेटल्स। इसी तरह जो बेरिलियम होता है दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 2A का आपके पास फर्स्ट मेंबर होता है, इससे नीचे बेरिलियम होता है, यानी बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रॉन्शियम है, फिर बेरियम होता है, और उसके बाद क्या होता है, रेडियम होता है। अब जो बेरिलियम होता है ये इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के नस्बत क्या होता है, डिफरेंट आपके पास होता है। रीज़न क्या होती है, इसका जो साइज़ होता है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के नस्बत क्या होता है, छोटा होता है, और उनकी निस्बत इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लिटिल बिट उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका इसका साइज़ जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ी सी बाकियों से कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो आपके पास होगी। तो पाँच मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है वो ये कहते हैं कि जाहिर है बेरिलियम जो है वो क्या है, मेटल है, और अब मेटल्स आपको पता है क्या होती हैं, ज़्यादा हार्ड होती हैं। वो ये कहती हैं कि जो बेरिलियम मेटल है वो इतनी हार्ड है जितनी आपके पास क्या होती है, आयरन है, और इस हद तक हार्ड है कि आपको इवन ग्लास को भी जो है वो स्क्रैच जो है वो कर सकती है। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो वो इसकी निस्बत क्या होती हैं, थोड़ी सी हार्डर मतलब सॉफ्टर होती हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का अगर हम लोग देखें कि कौन ज़्यादा हार्ड है, तो जाहिर है ये अगर हम पीरियड में देखें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल्स के बाद होती हैं, और इनका साइज़ उनके मुकाबले में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए उनकी निस्बत क्या होती है, ज़्यादा हार्डर जो है वो आपके पास होती है। सेकंड पॉइंट है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो बेरिलियम का होता है वो हायर होता है देन द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। रीज़न क्या होती है कि इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है, जब साइज़ छोटा होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैसिव फोर्सेस जो है वो इनके दरमियान एग्जिस्ट करेंगी, इस वजह से जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट आपके पास ये है कि आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं दे कैन एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो वो ये कहते हैं कि आपके पास जो ग्रुप टू की मेटल्स हैं दे आर ऑल पावरफुल इनफ टू रिड्यूस वाटर जो है वो आपके पास है, और वो ये कहते हैं कि आपके पास सिर्फ जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो जो बेरिलियम होता है सिर्फ वही आपके पास क्या बनाता है, इनसॉल्युबल ऑक्साइड जो है वो आपके पास जो है वो बनाता है, ठीक है, और यानी उसकी एक पूरी कोटिंग सी जो है वो बन जाती है। यानी आपने जो है वो बेरिलियम मेटल लें, आप उसको पानी में जो है वो डिप करें, तो क्या होगा कि आपकी मेटल की सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर सी जो है वो बन जाती है, जो कि फर्दर अटैक को जो है वो क्या करती है, प्रिवेंट जो है वो आपके पास करती है, ठीक है। अब चूँकि आपने ये पढ़ा कि आपने इसके ऊपर यानी कोटिंग सी तो एक बन जाती है, तो वो ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर आपके पास क्या होता है कि इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो इवन एसिड्स तक कभी क्या हो सकता है, अटैक जो है वो नहीं होता, इवन ऑक्सीजन का भी अटैक जो है वो नहीं होता। और फिफ्थ पॉइंट आपके पास ये है कि जो बेरिलियम है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है और आपके पास क्या बनाता है, सोडियम पिरिलेट आपके पास बनाती है, जबकि बाकी जो चीज़ें हैं यानी बाकी मेंबर्स जो आपके पास हैं जिस तरह मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो है वो यानी उसकी हार्डनेस की आपने डिस्कशन की, आपने उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की, आप लोगों ने कहा कि ये जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और आप लोगों ने ये पढ़ा कि जो बेरिलियम है जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक इनसॉल्युबल ऑक्साइड की लेयर सी बना देती है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर
ऐसे होती है कि वो ऑक्सीजन के भी फर्दर अटैक को प्रिवेंट करती है, इसके साथ साथ वो इवन एसिड से भी अटैक हो जाए वो प्रिवेंट करती है, और बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है। अब सेकेंड टॉपिक जो हमारे पास है वो है कि हम लोग सोडियम मेटल को कैसे जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग द डाउन सेल्स आपके पास है। आपने ये पढ़ा था कि जितनी भी मतलब आप देखें जो सोडियम है, आपने ये पढ़ा था कि वो आपके पास फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि क्या होता है कंबाइंड स्टेट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स आपके पास अवेलेबल होता है। तो जब आप लोगों ने इसको प्योर फॉर्म में हासिल करना चाह रहे हो, आप लोग प्योर मेटल की एक्सट्रैक्शन जो है वो करना चाह रहे हो, तो हम उस पर्पस के लिए क्या करते हैं, हम लोग सोडियम क्लोराइड को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी देखें सोडियम क्लोराइड इज़ नॉट अ फ्री स्टेट, इसमें जो है वो सोडियम कंबाइंड स्टेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है अलॉन्ग विद क्लोरीन के साथ जो है वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो आप क्या करते हैं, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड जो है वो आप लोग लेते हैं और आप लोग उसकी क्या कैरी आउट करवाते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो कैरी आउट करवाते हैं, यानी आप लोग उसमें से किस चीज़ को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास जो है वो आपके पास करते हैं, यानी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में को बनाने के लिए जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सोडियम क्लोराइड वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपके पास आता है वो है सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट, कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो ये कहते हैं कि उसके अंदर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड की कुछ अमाउंट को ऐड कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है और आपकी जो फर्नेस है वो ये कहते हैं कि इवन राउंड अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी वो काम कर सकती है। ठीक है, अब ये जो सेल है नीचे आप देख सकते हैं कि आपके पास डाउन सेल की जो है वो पिक्चर है। अब ये जो डाउन सेल है आपको नज़र आ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सा कंपार्टमेंट है, इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जेसी डाउन, उसने सबसे पहले इस सेल को डिज़ाइन किया था, इसी वजह से हम लोग इसको डाउन सेल्स जो है वो आपके पास कहते हैं। ठीक है, अब इसका आप देख सकते हैं कि आपने पढ़ा था कि जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म करना होता है, आप उसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक आपके पास कैथोड होता है, एक आपके पास क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, और ये भी चीज़ आपको मालूम है कि जो एनोड है उसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ अटैच करते हैं, जबकि कैथोड को आप लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या हुआ है, अटैच किया हुआ है। ठीक है, अब उसकी यानी आपको उन्होंने किस क्या दिया है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको बता दी है, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ग्रेफाइट को आप लोगों ने एक लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट सेंटर में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सेंटर में एक किस चीज़ का ब्लॉक है, ग्रेफाइट का। ठीक है, उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है, इसलिए वो एक्ट करता है एज दी एनोड आपके पास है। इसी एनोड के बिल्कुल ऊपर वो ये कह रहे हैं कि देर इज़ अ डोम, डोम फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन आपको जो है वो नज़र आ रही है, यानी आप बड़ी आसानी से जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो क्लोरीन के जो बबल्स हैं वो ऊपर को उठ रहे हैं और आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है कि क्लोरीन जो है वो वहाँ से रिलीज आउट जो है वो हो जाती है। ठीक है, एनोड आपके पास क्या था, ग्रेफाइट का बना हुआ एक ब्लॉक से था, जबकि कैथोड की अगर हम लोग बात करें तो वो किसका बना होता है, या वो कॉपर का बना होता है या वो क्या होता है, आयरन का जो है वो बना हुआ होता है। और वो ये कहते हैं कि जो आपका कैथोड है दैट इज बेसिकली अ सर्कुलर बार ऑफ कॉपर और आयरन विच सराउंड द एनोड, यानी सेंटर में एक ब्लॉक है ग्रेफाइट का, उसकी सराउंडिंग में सर्कुलर जो है वो कॉपर या आयरन की एक बार है जो कि एक्ट करती है एज ए कैथोड, और इन दोनों के दरमियान में आपने एक आयरन की स्क्रीन लगाई हुई होती है है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस अरेंजमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और आपका सोडियम और क्लोरीन की आपस में जो है वो मिक्सिंग नहीं होती आफ्टर दे हैव बीन सेट फ्री एट दी इलेक्ट्रोड्स आपके पास है। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, आपने सिस्टम में क्या लिया हुआ है, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने कंपोनेंट आयंस के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट आपके पास हो जाता है। अब वो ये कहते हैं कि आपके पास जो सोडियम मेटल है वो ये कहते हैं कि दे राइजेज इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो देखें तो आप देख सकते हैं कि जो
सोडियम है वहाँ से हम लोग जो है वो बाहर जो है वो निकाल सकते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सेल आपके पास जहाँ सोडियम को प्रोड्यूस कर रहा होता है वहाँ पे आपके पास ड्राई क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस, उसको भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट आउट जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। और रिएक्शन क्या हुआ है कि मतलब सिस्टम में हुआ क्या है कि सोडियम क्लोराइड था, ठीक है। जब आपने मतलब आपने ये पढ़ा कि आपकी जो फर्नेस है दैट इज़ ऑपरेटिंग एट द टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी क्या है बहुत ज़्यादा हाई है, सोडियम क्लोराइड जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट था, यानी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, वो आयोनाइज होकर आपके पास क्या बनाता है, सोडियम आयंस, और आपके पास क्या होता है, क्लोराइड आयंस, ठीक है। अब ये जो रिस्पेक्टिव आयंस होते हैं, आपको ये चीज़ पता है कि हर आयन अपने से ऑपोजिट जो है वो आपके पास क्या करता है, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती है, यानी अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और अगर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि जो आपके पास सोडियम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, वो कैथोड की तरफ जो है वो मूव करेगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, आपके पास नेगेटिव चार्ज आपके पास है। अब जो ही आप सोडियम जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है। तो क्या होता है कि आपका जो सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम के अंदर जो है वो कन्वर्ट आपके पास हो जाता है, और आपने उसको स्पेशल कंपार्टमेंट के थ्रू उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब दूसरा जो आयन आपके पास सिस्टम के अंदर या आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर प्रेजेंट था वो आपके पास क्या था, क्लोरीन था। अब क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मूव किसकी तरफ करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी एनोड की तरफ मूव करेगा, और जब वो एनोड पे जाता है तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन आपके पास होती है, यानी ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है, ठीक है। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज जो है वो किया, और दो क्लोरीन के एटम्स आपस में मिलके क्या बना देते हैं, क्लोरीन गैस जो है वो आपके पास बना देते हैं, और इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है वो आपके पास होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या है कि आपके पास सोडियम भी प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम लोग स्पेशल कंपार्टमेंट के थ्रू सेपरेट आउट जो है वो कर लेते हैं, और इसके साथ आपके पास क्लोरीन गैस भी हो है जिसको आपने पढ़ा था कि आपके एनोड के बिल्कुल ऊपर करके एक डॉम होता है दैट इज़ यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करना है कि आपके पास सेंटर में ग्रेफाइट का जो है वो एनोड है, उसकी सराउंडिंग में सर्कुलर बार ऑफ कॉपर और आयरन का कैथोड है, उसके बाद उसके दरमियान में आप लोगों ने आयरन की स्क्रीन लगाई हुई है, फिर आप लोगों ने ये पढ़ा कि जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो पास करने के रिजल्ट में आपके पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं, वो अपने जो अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो मूव करते हैं, और जो क्लोरीन है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस के अंदर है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और वो जो है वहाँ पे उसकी क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जबकि जो सोडियम आपके पास होता है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। और इस तरह आप लोगों ने पढ़ा कि आपके पास सोडियम भी आपके पास, यानी ये जो डाउन सेल के अरेंजमेंट है इसका फ़ायदा आपके पास ये हुआ कि आपके पास ड्राई क्लोरीन भी आपके पास ऑब्टेंड हो जाती है, और एट द सेम टाइम आपके पास 99.9% प्योर सोडियम भी जो है वो क्या हो जाती है, ऑब्टेंड हो जाती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस अमल के दौरान कोई मेटेलिक फोग जो है वो आपके पास क्या होती है, प्रोड्यूस नहीं होती। वो ये कहते हैं कि आप इवन 600 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी सोडियम को जो है बड़ी आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि आपके पास जो ये सेल का मटेरियल है, यानी जो ग्रेफाइट का एनोड है या आपके पास कॉपर और आयरन के कैथोड्स हैं, वो ये कहते हैं दैट इज़ नॉट अटैक बाय द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन है वो ऊपर कूट जाती है, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और जो सोडियम है वो भी जो है वो आपकी मटीरियल ऑफ द सेल को क्या करती है, अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हम लोगों ने जहाँ पर सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं वहाँ पे जो दूसरी चीज़ जिसकी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टडी करते हैं वो है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास जो है वो है, इसी का जो दूसरा नाम होता है वो इसको लई भी कहते हैं, इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी जो है वो आपके पास जो है वो कहते हैं। वाई वी कॉल इट एज अ कॉस्टिक सोडा, बिकॉज कॉस्टिक का मतलब होता है टू कोरोड द स्किन, क्यों, क्योंकि ये आपकी स्किन को
जो है वो जब आप इसको हाथ लगाएं तो आपकी स्किन के ऊपर जो है वो थोड़े से मतलब ब्लिस्टर्स तो इतने नहीं बनाती, लेकिन आपकी जो है स्किन इरिटेशन जो है वो क्या करती है, कॉल्स जो है वो आपके पास करती है, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को, देर इज़ नॉट अ वन मेथड, हम लोग इसको नेल्सन सेल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और हम लोग इसको जो है वो आपके पास कैस्टनर जो है वो किलनर सेल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरह के सेल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने नेल्सन सेल्स जो है वो लिखा हुआ है, इसलिए अगर पेपर में आए कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग द नेल्सन सेल, तो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो जो है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आपके पास सबसे पहले उस सेल की हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। वो ये कहते हैं कि ये स्टील का टैंक होता है, ठीक है। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि प्रोवाइडेड विद अ कांस्टेंट लेवल डिवाइस टू कीप द इनर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड विद स्पेसिफाइड लेवल विद ब्राइन। ब्राइन बेसिकली क्या होता है आपके पास, कि ये पूरा स्टील का एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक के आपको, आप लोग को अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो स्टील का टैंक है, नीचे आपको एक कैच बेसन जो है वो नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को कलेक्ट करते हैं, ये बॉटम पे है। अगर हम ऊपर की तरफ जो है वो देखें, आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि इसमें जो ऊपर जो है वो एक यू शेप्ड आपको जो है वो ट्यूब जो है वो आपको जो है वो नज़र आ रही है, और उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने ग्रेफाइट का एनोड को क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो ग्रेफाइट का एनोड है ये किसके अंदर आपके पास डिप है, दैट इज़ बेसिकली डिप्ड इन द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ब्राइन के साथ। ब्राइन इज़ बेसिकली द एक्वस सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन जो है वो कहते हैं। अब हमने इसके अंदर भी क्या चीज़ कैरी आउट करनी है, हम लोगों ने इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस को इस्तेमाल करना है, लेकिन यू मस्ट हैव टू कैप वन थिंग इन योर माइंड कि इसमें भी इस्तेमाल हमने सोडियम क्लोराइड करना है। फ़र्क क्या है कि इसके अंदर आप लोगों ने सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करना है, और जब आप लोगों ने सोडियम की, वैसे सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी तो आप लोगों ने पढ़ा था कि उसके अंदर हम लोग फ्यूज सोडियम क्लोराइड को जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये उससे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट आपके पास है। अब इसमें जो है वो आपके पास जो है वो ग्रेफाइट का जो है वो आपके पास क्या है, एनोड है। वो ग्रेफाइट का एनोड जो है वो सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, डिप है। इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो आपका कैथोड होता है वो भी बेसिकली क्या होता है, स्टील का कैथोड होता है विद पोर्स आपके पास जो है वो आपके पास होगा, और इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए दरमियान में आपने क्या लगाई होती है, एस्बेस्टॉस की लाइनिंग जो है वो आपके पास होती है, ठीक है। यानी वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक स्टील वेसल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके अंदर मैंने आपको भी बताया है कि आपके पास उसके साथ मतलब एक ऐसे ओब्लॉन्ग परफोरेटेड आपके पास है, उसके अंदर आपके पास क्या है, और आपने साथ इस पर स्ट्रॉस की डायफ्राम इस्तेमाल की हुई है, वो आपके पास किसके तौर पर एक्ट कर रही है, एज अ कैथोड के तौर पर, ठीक है। जबकि वो ये कहते हैं कि जो ग्रेफाइट का एनोड है दैट इज हेल्ड विद इन द यू शेप डायाफ्राम हमारे पास है एंड प्रोजेक्ट्स इनटू द साल्ट सॉल्यूशन। आप पीछे देख लें कि आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि ये स्टील का कैथोड है आपके पास, उसके साथ क्या एस्बेस्टॉस की लाइनिंग है, वो ये कह रहे हैं कि दैट इज एक्टिंग एज द कैथोड। उसके बाद ग्रेफाइट का एनोड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो किसके अंदर डिप्ड है, इनटू द सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या ब्राइन के सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या है, डिप्ड आपके पास है, ठीक है। वो ये कहते हैं द स्टीम इज ब्लोन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट वार्म एंड हेल्प टू कीप द परफोरेशन क्लियर जो है वो आपके पास है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की आपके पास क्या हो सकती है, कंडक्शन जो है वो आपके पास हो सकती है। अब इसमें भी आप देखें कि अगर आप नीचे डायग्राम में जो है वो देखें, आपने ये कहा था कि आप ब्राइन का सॉल्यूशन ले रहे हैं, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो ले रहे हैं। अब उस सिस्टम के अंदर सोडियम और क्लोराइड भी है और पानी भी आपके पास प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपके पास सोडियम आयन भी जनरेट होगा और क्लोराइड आयन्स भी जनरेट होंगे, इसी के साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन आयन्स भी जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होंगे, और हाइड्रोक्सिल आयन्स भी जो है वो आपके पास क्या होंगे, प्रोड्यूस आपके पास होंगे। अब एक चीज़ आपने जो है अपने माइंड में जो है वो रखनी है
कि अब ये मूव्स, अब देखिए क्लोराइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, वो ये कहते हैं कि दोनों में पोटेंशियल तो होगा कि वो दोनों ही किसकी तरफ मूव करें, दे बोथ शुड मूव टूवर्ड्स द एनोड, लेकिन क्लोरीन की ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द हाइड्रोक्साइड आपके पास है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि आपके पास जो क्लोरीन क्लोराइड आइन्स हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स दी एनोड। आप देखिए एनोड के बिल्कुल साइड पे आपको क्लोरीन नज़र आ रही है, क्लोरीन क्या करेगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इट मीन्स इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर दो क्लोराइड आइन्स के हैं, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, और वो इसलिए वो ये कहते हैं कि द क्लोरीन गैस इज रिलीज एट द एनोड, राइजेज इन टू द डोम एट द टॉप। जबकि उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपके पास है वो है आपके पास के सोडियम आइन्स भी होते हैं, सोडियम आइन्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन आइन्स के ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास सोडियम की निस्बत किसकी जो है वो आपके पास ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आइन्स की ज़्यादा, यानी हाइड्रोजन में जो है वो रिड्यूस होने, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, इससे इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी भी उसकी क्या होती है, ज़्यादा आपके पास होती है। तो हाइड्रोजन आइन्स मूव करते हैं और वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को आपके पास क्या करते हैं, एक्सेप्ट जो है वो आपके पास जो है वो करते हैं और वो भी आपके पास क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो आपके पास है हो जाती है, ठीक है। अब पीछे जो है आप देखें कि सिस्टम में आपके पास क्या बचा, यानी क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस वो भी रिलीज होगी, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस वो भी गैसेज हैं तो वोलाटाइल है, रिलीज आउट आपके पास हो जाती है। पीछे सिस्टम में क्या बचा, सोडियम आइन्स और हाइड्रोक्सिल आइन्स जो है वो आपके पास जो है वो बने, तो वो आपस में जो है वो क्या करते हैं, आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसको आप लोग इधर नीचे जो है वो कैच बेसन के अंदर जो है वो क्या कर लेते हैं, कलेक्ट जो है वो आपके पास जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपको रिएक्शन एट एनोड भी बता दिया कि दो क्लोराइड आइन्स आपके पास आए और उन्होंने वहाँ पे उसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई और सात इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका लॉस हुआ। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि वही इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, एट कैथोड, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मौजूद जो वाटर है, क्योंकि वाटर की आयनाइजेशन तो होगी लेकिन वाटर की आयनाइजेशन उतनी अच्छी नहीं होती जितनी सोडियम क्लोराइड आइन्स के आपके पास होती है, क्योंकि इसका आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, बहुत कम आपके पास होता है। तो आपका जो वाटर है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, हाइड्रोक्सिल आइन्स के अंदर, और साथ आपके पास क्या हो जाती है, H2 गैस जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज जो है वो आपके पास हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि Cl2 गैस भी रिलीज होगी, H2 गैस, दोनों गैसेस जो है वो रिलीज होगी। पीछे जो है वो आपके पास सिस्टम है, सोडियम आइन्स हैं और क्लोराइड आइन्स हैं, तो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास हो जाता है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि क्योंकि जो सोडियम है, मैंने आपको ये कहा था कि उसकी ना तो ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होती है, ना रिडक्शन की आपके पास होती है, और ऐसी चीज़ें, यानी इसमें अगर आप देखें कि क्लोरीन आयन्स और हाइड्रोजन आयन्स जो है वो आपके पास क्या थे, उन्होंने वो ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव थे, जबकि अगर आप लोग सोडियम आयन्स की बात करें या हाइड्रोक्सिल आयन्स की बात करें तो वो आप देख सकते हैं कि देवर जस्ट एक्टिंग एज अ स्पेक्टेटर आयन्स के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे, देवर नॉट एक्टिंग एज दी एक्टिव आयन्स के तौर पर आपके पास है, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि जो दो मेजर प्रॉब्लम्स आपके पास अक्कर होते हैं इस प्रोसेस के दौरान, वो ये होता है कि आपने ये पढ़ा कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, अब वो क्लोरीन गैस जो है वो आपके नेल्सन सेल्स में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड आयन्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नीचे आपको इक्वेशन नज़र आ रही है कि जो Cl2 गैस है वो हाइड्रोक्सिल आयन्स के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड आयन जो है वो बना रही है, साथ क्लोराइड आयन बन रहे हैं और साथ आपके पास वाटर जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी इसमें दूसरी बात ये, यानी एक तो हाइड्रोक्साइड ये है कि बेशक वो स्पेक्टेटर आयन्स हैं, वो आपके पास जो है वो रिएक्ट नहीं कर, लेकिन वो क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात वो ये है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं
दे मे बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी एनोड, जिस तरह क्लोरीन एनोड की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस तरह हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी एनोड की तरफ मूव कर सकते हैं और अगर वो वहाँ पर चले जाएँ तो क्या करेंगे, दे विल रिलीज दी ऑक्सीजन गैस। आप नीचे क्वेश्चन में जो है वो देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि चार हाइड्रोक्सल आयन जो है वो आपके पास जब एनोड की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाएंगे, साथ आपके पास ओ टू जो है वो बनेगा और साथ इलेक्ट्रॉन का लॉस आपके पास जो है वो अकर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है, इन चार इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ठीक है, एक ओ टू बना और आपके पास क्या है, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके पास बन गए। अब इस अमल के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो ये कहती हैं कि इट मे ऑल्सो कंटेमिनेट द क्लोरीन्स एंड रेंडर्स इट इम्प्योर आपके पास है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की दोनों वो चीज़ें लिख रहे हैं कि या तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन आपकी जो क्लोरीन बन रही है उसके साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड आयन बना दे, या दूसरी बात ये है कि आपका हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे जाके अपनी ऑक्सीडेशन करके क्या चीज़ प्रोड्यूस कर दे, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन गैस और साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है वहाँ पे अकर हो जाए, और जो ऑक्सीजन गैस इस अमल के दौरान बनेगी सो वो जो है वो आपकी क्लोरीन को इम्प्योर जो है वो कर सकती है, ठीक है। तो यानी जो प्रॉब्लम क्रिएटर के तौर पे जो चीज़ एक्ट कर रही है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, और जो चीज़ उससे अफेक्ट हो रही है वो दोनों केस दोनों प्रॉब्लम्स में क्या थी, क्लोरीन गैस थी, या तो उसकी कंटेमिनेशन आपके पास हो जाए या वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ प्रोड्यूस होकर वो भी हाइपोक्लोराइड आयन यानी एक नई स्पीशी के अंदर जो है वो उसकी कन्वर्जन हो जाए। तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, व्हाट आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड इन द नेल्सन सेल्स आपके पास है। अब वो ये कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एस्बेस्टॉस डायफ्राम हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो ये कहते हैं कि दिस कीप्स द टू सॉल्यूशंस सेपरेट, ठीक है, और ये जो है वो आपके पास क्या करता है कि इसकी वजह से आपके पास देख सकते हैं डायग्राम में कि आपको नज़र आ रहा है कि जो एनोड कंपार्टमेंट है वहाँ पर क्लोरीन है और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आपको दूसरी साइड पे जो है वो ज़्यादातर नज़र आ रहा है, यानी आप अवॉइड करते हैं या आप उन हाइड्रोक्साइड आयन का रास्ता जो है वो रोक लेते हैं कि वो एनोड की तरफ मूव ना करें, वो क्लोरीन के साथ जाकर जो है वो रिएक्ट ना करें और हाइपो यानी या ना तो वो हाइपोक्लोराइड आयन प्रोड्यूस करें ना ही वो वहाँ एनोड पर जाके ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन जो है वो कर सकें। इसलिए हम लोग ने दरमियान में डायफ्राम जो है वो लगाया हुआ होता है और उस डायफ्राम के रिजल्ट में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन एनोड कंपार्टमेंट की तरफ मूव नहीं कर सकते, और हाँ ये होता है कि सोडियम आयन जो है वो कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ मूव करके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह वो ये कहते हैं कि दिस मूवमेंट ऑफ आयंस कीप्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। दूसरा प्रॉब्लम क्या था आपके पास के हाइड्रोक्साइड आयंस को वो ये कहते हैं कि अगर हम उसका रास्ता रोकना मतलब वो हम ये कह रहे हैं कि उसको एनोड की तरफ ना आने दिया जाए, तो वो ये कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नज़र आ रहा है कि एक एनोड कंपार्टमेंट है, एक क्या है, कैथोड कंपार्टमेंट है। तो वो ये कहते हैं कि एनोड कंपार्टमेंट के अंदर हम लोग जो सोल्यूशन का लेवल रखते हैं वो थोड़ा सा क्या करते हैं, हाई जो है वो रखते हैं, जिसकी वजह से आपके जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं यानी आप देखें ना एक एक साइड फ्लडेड है और दूसरी साइड में ही जो है वो क्या है, पानी कम है, तो फ्लो किसकी तरफ होगा, एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड कंपार्टमेंट की तरफ होगा, जिसकी वजह से जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन है वो एनोड कंपार्टमेंट की तरफ जो है वो नहीं आ सकेंगे क्योंकि वहां पे जो है वो ऑलरेडी जो है वो क्या है, लेवल ऑफ ब्राइन जो है वो क्या है, ज्यादा है। This keeps the direction of flow of liquid towards the cathode. तो क्या होता है, लिक्विड का फ्लो जो है वो क्या होता है, कैथोड की तरफ होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयन की एनोड की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी को आप क्या कर रहे होते हैं, प्रिवेंट जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग ने दरमियान में डायफ्राम लगाया, डायफ्राम की वजह से आपके जो हाइड्रोक्साइड आयंस थे वो आपके पास एनोड कंपार्टमेंट की तरफ मूव जो है वो नहीं कर सकते। दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ये कहा कि आपने जो यू शेप्ड आपको ट्यूब नज़र आ रही है उसके एनोड कंपार्टमेंट में आपने किस चीज़ की कंसनट्रेशन को जो है वो यानी यहाँ पर जो है जहाँ पर आपने जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन लिया हुआ है उसकी कंसनट्रेशन वहाँ पे जो है वो ज्यादा रखेगी, जिसकी वजह से आपके पास जो फ्लो ऑफ लिक्विड होगा वो टुवर्ड्स द एनोड से कैथोड की तरफ होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एनोड की तरफ जो है वो मूव नहीं जो है वो आपके पास जो है वो कर पाएंगे, राइट। तो वो ये कहते
कहते हैं कि इस अमल के दौरान हमारे पास 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है, और साथ साथ इसमें सोडियम क्लोराइड भी जो है कुछ अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है, 16% आपके पास होता है। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम इस सॉल्यूशन की इवेपोरेशन जो है वो करेंगे तो आपके पास जो लेस सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड है वो उससे जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट जो है वो हो जाएगा। यानी जो आपके पास सोल्यूशन दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द कैथोड कंपार्टमेंट है उसके अंदर 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बाकी 16% जो है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब वो क्या कहते हैं कि वो इस सॉल्यूशन को एक इवेपोरेशन करते हैं, तो इवेपोरेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या होता है, सिस्टम को लीव आउट कर जाता है बिकॉज इट इज़ लेस सॉल्युबल एज कम्पेयर टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास वो ये कहते हैं कि अब आपके पास जो कंसनट्रेशन है जो आपका लिक्विड है, क्योंकि उससे सोडियम क्लोराइड निकल गया है, तो उसके अंदर आपके पास कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और वो आपके पास क्या हो गया 50% उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो होगी और 1% जो है वो आपके पास उसमें सोडियम क्लोराइड रह जाएगा। यानी पहले 16% था, अब वो कितना रह गया, जस्ट 1% है। तो वो ये कहते हैं कि फॉर कमर्शियल पर्पसेस दिस स्मॉल इम्प्योरिटी इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये आपका चैप्टर था, दैट्स अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आप लोग ने एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ आप लोगों ने उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। हमने इसमें अक्रेंस की जो है वो बात जो है वो आपके पास की थी। इसके साथ साथ आप लोगों ने पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम को भी स्टडी किया और पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाई यूजिंग द डाउन सेल एंड द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बाई यूजिंग द नेल्सन सेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आपके स्मार्ट्स जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसमें आपके इस चैप्टर से सिर्फ यही वाले टॉपिक्स जो है वो क्या थे, इंक्लूडेड थे। तो इन इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे।